चलें जी, रस्में शुरू होने लगी हैं अभी। यार सबने रस्में कर ली हैं, बस मेरा गिफ्ट बाकी रह गया था। सात रंग की फ्रूट डाले हैं, आठ रंग के डाले, आठ रंग के। ये देवर सबको बांट रहा है लड्डू, मेरे होने वाले हस्बैंड का लड्डू, इसके होने वाले हस्बैंड का। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जी जनाब, अभी नाश्ता वगैरह कर लिया, हम लोग फ्रेश हो गए हैं। मैंने कहा ब्लॉग भी शुरू कर लूं। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज घर में है इवेंट कमल की गोद भराई का, तो पहले तो हम लोग उसका ड्रेस पिक करने आ गए, जो के दिया हुआ था प्रेस रेस करवाने के लिए। एक तो हम लोग अपने घर से तकरीबन 15 मिनट दूर का सफर करके यहाँ आए थे पहले पकड़ाने के लिए ड्रेस, और अभी 15 मिनट से भी ज्यादा का सफर करके, मतलब 20 मिनट का अभी सफर करके आए हैं, क्योंकि ट्रैफिक थी यार, ट्रैफिक की वजह से बंदा लेट हो ही जाता है। तो अभी कमल का ड्रेस उठा लिया, अभी सीधा घर जाएंगे, उसको ड्रेस देंगे, फिर उसने जाना है सैलून, और फिर हम लोग भी अपनी तैयारियों की तरफ बढ़ेंगे। ये बकरा किसका है भाई? याद कैसे हो, कौन हो आप, घर में कैसे आ गए? अच्छा अच्छा, मुझे समझ लग गई आप कौन हो, भागो नहीं, इधर आओ, बात सुनो, छोटे बात सुनो। ये है दरअसल सबके का बकरा, क्योंकि आज घर पे इवेंट है, तो बड़ों ने कहा कि भाई पहले सदका देते हैं, बाद में अपनी खुशियों को मनाते हैं, तो अभी सदके के लिए ये बकरा आया, जो कि बहुत प्यारा है माशाल्लाह। ओ भागते कहाँ हो, बात तो सुनो। ओ भाई बात तो सुन लो, इधर आओ, बात तो सुन लो, क्या हो गया, प्यार ही करना है तुमसे यार, इधर आओ। वो क्या, डर क्यों रहे हो ऐसे, ए गुड बॉय, हाथ लगाओ, ये चलो चलो जी ये पकड़ो जी, ये बच्चों को पकड़ो, चलो चलो चलो, शाबाश शाबाश शाबाश। चले जी जनाब, अभी औरतों को मैंने ड्रॉप करना है सैलून, और फिर बाद में अपनी तैयारी के मुतालिक भी सोचता हूँ यार। वो डर गई है। डर गए हो आप? आपने कहा चलो जी। क्यों डर गए हो आप, डरते हो? आपके मामू का मुंह क्या डरने वाला है? नहीं, बहुत खूबसूरत है, डरने वाला नहीं है, हंसने वाला है, मुस्कुराने वाला है, ठीक है। खवातीन को ड्रॉप कर दिया, अभी बस जाकर अपनी तैयारी शारी करता हूँ, और उससे पहले बस एक मुझे छोटा सा काम है ऑफिस में, वहाँ ही जा रहा हूँ सीधा ऑफिस के बाद, फिर घर जाऊंगा, और जाते ही कोई और काम नहीं करना, बस रेडी होना शुरू हो जाना, क्योंकि टाइम बहुत कम है, और अभी तक 3:30 बज चुके हैं, और इवेंट की टाइमिंग हम लोगों ने 5 बजे की रखी हुई है, और 5 बजे का मतलब है कि 5 बजे तो मेहमान आएंगे, हमारा तो 4:30 बजे वहाँ पर पहुँचना जरूरी है। अब तबलीगी जमात वाले थे, ये तबलीगी जमात वाले, वो तबलीगी जमात वाले स्पेशली अफ्रीका से आए हैं, इसको अकल देने के ये पिंक सूट क्यों पहन लिया भाई तुमने? मुझे पता है इसी चीज के लिए आए होंगे यार, पहले इसको बता दे कि ये पिंक सूट क्यों पहना है तुमने, क्यों पहना है? तबलीगी जमात वालों को बुलाया स्पेशली अफ्रीका से कि आकर इसे समझाए। जी जनाब, तो घर में मैं रेडी हो चुका हूँ सबसे पहले, और कमल लोग भी रेडी हैं, अभी बस उनको पिक करने जाने लगूं, बिकॉज टाइम बहुत ही ज्यादा कम है, और 4:30 बजे पहुंचना था, 6 बजे मैं खुद रेडी हो रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात है, और ये मनुष्य मारा अभी तक रेडी नहीं हुआ। तो जी फाइनली 7:15 बजे घर से निकलने लगे हैं, ये रख लिया टोकरी, और ये डिजाइनर बैठ गया पीछे गाड़ी, और ये भी रेडी है, सारे रेडी है, बस निकलने लगे हैं अभी। जी सारे मेहमान आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मैके वाले थे वो भी आ गए हैं, वो जो सामान लेकर आए हैं उनमें फ्रूट्स, मिठाई और मेवा जात होते हैं, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। ये हैं मेवा जात, चॉकलेट्स, फ्रूट, मिठाई, ये सारी चीजें मैके से आई हैं, ये होती है रस्म। बाकी सारा सेटअप तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो गया है, बस यहाँ पर ना लाइट कम थी,
एक लाइट अभी यहाँ पर मैंने लगवा ली है, एक यहाँ पर दूसरी लाइट लग रही है। फिर ये है कि यहाँ से रस्म वगैरह है ना वो यहाँ पर कमल की बैठकर हो जाएगी और जरा लाइट साइड भी अच्छी हो जाएगी, मतलब फोटो शोटो अच्छी आ जाएगी यार। फोटो का भी ख्याल करना पड़ता है। ये मेरी सासू माँ है, इनको पिक्चर लेने से फुर्सत नहीं मिल रही। जब देखो ये स्नैपचैट खोला होता है, लो लो वाह जी वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। चले जी रस्में शुरू होने लगी है। अभी कौन शुरू करेगा वैसे? अम्मी से शुरुआत होगी। अच्छा अच्छा ठीक है, दुपट्टा दिया जाएगा अभी। सात रंग की फ्रूट डाले हैं, आठ रंग के डाले, आठ रंग सही है। वैसे रंग तो टोटल सात होते हैं, आठ टोटल वैसे सात ही होते हैं। अच्छा? ये तो फ्रूट ही लग रहा, ये मैं खा लेता हूँ। ये है क्या? चलो ये रख लो यार। अच्छा 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 ठीक है, ये फ्रूट नहीं मेरे वाला। अच्छा जी अब ससुराल वाले ये डालेंगे। ये देवर सबको बांट रहा है लड्डू, बांटो बांटो बांटो। चक्कर में मेरा कुछ नहीं बन रहा यार। क्यों, तुम भी लड़कियों को ही बांट रहे हो ना? बस लड़कों वाली साइड पर भी जाओ। वर्दा बहुत खुश हो रही है लड्डू लेकर। वर्दा कह रही है मेरे होने वाले हस्बैंड का भी दो। हाँ हाँ इसके होने वाले हस्बैंड का, तेरा हस्बैंड ही लड्डू निकले अभी। तो आज जी सासू मां नहीं बाद आंदे फोटो खिंचवाने, क्या बात है। अभी रस्म हो चुकी है और ये वाले लड्डू बांटेंगे सब में। कुछ यहाँ पड़े हैं, कुछ वहाँ पर पड़े हैं, वो पड़े हैं, हाँ ये सब में बटेंगे। ये मोतीचूर के लड्डू हैं। हाँ यार हाँ बटेंगे ना भाई, क्या हो गया यार? सबने रस्में कर ली हैं, बस मेरा गिफ्ट बाकी रह गया था, वही पिक करने आया हूँ। रस्में हो गई हैं बिकॉज फिर खाना खोलना है, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी मैं अपना गिफ्ट दे दूँ सबके सामने यार। ये है मेरा गिफ्ट, मैंने कमल के लिए रिंग ली थी, जो निकाह वाली हमारी गुम हो गई थी ना, मैंने उससे भी ज्यादा खूबसूरत ये रिंग ली है। वो पंजाबी में कहते हैं बर्तना नसीब करे। हाँ जी फाइनली हम लोग फ्री होकर बैठ बूट गए हैं और मेहमान सारे चले गए हैं। कवल मैडम भी थक गई है और ये भाई हाँ? फ्री हो गए, मेरा वेस्टकोट चढ़ दे। अच्छा अच्छा सॉरी भाई, वेस्टकोट पता नहीं, मैं नहीं पहना। क्यों? कहना मैंने तो गटर साफ करने। गटर गटर यार कर लेना, फिर आखिर कर लेना, लेकिन अभी हमारे साथ ही चलो क्योंकि घर जाना है। हम लोग बहुत ज्यादा थक चुके हैं और फाइनली आज का इवेंट बहुत अच्छा गुजर गया है। कवल तुम्हें दोबारा से मुबारकबाद, बहुत बहुत। अच्छा तुम्हारे साथ पिक्चर नहीं बनाई यार, तुमने क्यों नहीं चुड़ैल के साथ पिक्चर बनाई? जब कैमरा खोल दी ना ये करी जाती है, इसको लगता है कि मैं ऐसे खूबसूरत लगता हूं इसलिए। चलो आओ चलें घर।